Welcome back to my lecture again, and we'll continue with one more sum from your textbook. Okay, question number 10. It says P4 plus NaOH gives you PA3 plus NaH to PO2. बराबर दिया गया. पहले मैं इसको लिख लेता हूँ, फिर आगे करेंगे. ये है क्वेश्चन नंबर 10 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक. दिया गया है P4 प्लस NaOH gives you PH3 plus NaH2PO2. And again, basic medium मिला है हमको, ठीक है. जब basic medium मिलता है तो पहले हम step number 1 करेंगे. Step number 1 says, is to find oxidation number. हर एक का individual का oxidation number find करते हैं. इसका कितना आएगा? 0, as the rule number 1 says. बराबर है? Na plus का ये स्टेप इजी है. हाइड्रोजन प्लस 1 माइनस 3 आएगा. बराबर. एंड यहां पे प्लस 1 प्लस 1 ऑक्सीजन प्लस 1. विल कंटिन्यू. सी ओवर हियर, इफ यू कैन सी वेरी केयरफुली, तो हमको पता चल रहा है कि यहाँ पे सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है. अपार्ट फ्रॉम ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, इट इज स्पेक्टेटर आयन. इट इज स्पेक्टेटर आयन. सो व्हाट डू वी नीड टू डू? वी हैव टू रिमूव स्पेक्टेटर. ये स्पेक्टेटर लोग बड़े अच्छी चीज होती मालूम है. और क्रिकेट मैच में खेलता कोई और है, स्पेक्टेटर बैठे बैठे मजा लेते, उसको स्पेक्टेटर बोलते हैं ना, जो कुछ काम नहीं करते बस देखते रहते. इसका हाल भी ऐसा है, सोडियम का कोई ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो ही नहीं रहा है, पसीना कोई और बहा रहा है, वो तो क्या कर रहा है, मजे ले रहा है. तो मजे लेने वाले को पहले बाहर निकालते. ओके, लेट्स रिमूव देम. तो रिमूविंग Na प्लस क्या है? वो स्पेक्टेटर आयंस, करेक्ट और नॉट? तो हमारा जो रिएक्शन है वो ऐसा बन जाएगा, P4 प्लस OH माइनस गिव्स अस PA3 प्लस H2PO2 माइनस 1. बराबर है. सेकेंड थिंग अगेन आप देख रहे हो, अच्छा मुझे इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखने दो. 0 है इसका, इसका P का माइनस 3 है और यहाँ पे P का प्लस 1 है. अगेन डिसप्रोपोर्शन है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ साथ में हो रहा है, फॉस्फोरस का ही हो रहा है. दो बार P4 को, बराबर ना? आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आर यू गेटिंग दिस? पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ओके, सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू. स्टेप 3, बैलेंसिंग एटम. सो P4 प्लस P4 प्लस OH माइनस गिव्स अस PH3 H2PO2 माइनस. इसको बैलेंस करना जरूरी है. यहाँ पे कितने? 4. यहाँ पे कितने? 1. सो फॉर दैट 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. वापस यहाँ पे 4 और यहाँ पे 1. सो वी नीड टू मल्टीप्लाई इट बाय 4. एंड व्हाट वी डू नॉट नीड टू फॉरगेट, मल्टीप्लाई ऑक्सीडेशन नंबर बाय दैट नंबर. बराबर है कि नहीं? तो यहाँ एक का 0 था तो 4 का, और 4 का क्या बनने वाला है? 0 और 0. यहाँ पे एक का माइनस 3 और एक का प्लस 1 तो माइनस 12, करेक्ट और नॉट? पता चल रहा है आप लोगों को? सहलू छे, सरल छे, इजी छे, आवड़े छे, समझ पड़े छे, बद्दू हा छे, तो आगर जई सो आगे. स्टेप नंबर 4. स्टेप नंबर 4 क्या है? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. और रिदम क्या करते हैं हम उसके लिए? थैंक यू बेटा. हम क्या करते हैं बेटा? कॉपी पेस्ट करते हैं. अपना फेवरेट स्टेप कैसे भूल सकते हो? तो चेंज हो गया अभी. ओके, कॉपी पेस्ट करेंगे. हाउ कैन वी फॉरगेट अवर फेवरेट स्टेप यार, बचपन से करते आ रहे, बार बार करते आ रहे. बराबर ना?
ऐसा किया कि मैं कॉपी पेस्ट को बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ, ओके, आई नेवर सेड यू डू दैट, ऑक्सीडेशन नहीं, ये तो रिडक्शन हो रहा है, ये क्या हो रहा है, मैंने उसको ऑक्सीडेशन लिख दिया, ठीक है, ये रिडक्शन है, कितना हुआ, 0 से -12, एन ऑक्सीडेशन एलसीएम 12 आएगा, इसको 4 × 3 एंड 12 × 1, 4 × 12 नहीं करने का, ऐसे करने का, देखो इन दोनों का एलसीएम निकालना था तो आपको ये करने का 12 और 4 लिख देने का, फिर ओके 2 6 2, 2 3 1, 3 1 1, इसको मल्टीप्लाई करो, आओ सीख लो जो क्या, ओके नहीं मजा आ रहा है अभी, आप लोग को क्या लगता है कि आपको ऐसा करता हूं कि 12th स्टैंडर्ड वाले आजकल क्या कर रहे हैं मालूम है, 17 × 1, 17 × 2, 17 × 3, दे आर लर्निंग टेबल्स, उनकी नीट की एग्जाम आ गई है, और नीट की एग्जाम में कैलकुलेटर नॉट अलाउड तो लोचा से, ओके एक स्टूडेंट को तो 11 × 8 भी नहीं आता था, ओके तो फिर क्या करें, नीट आप पीछे, 11 × 8 नहीं आता है, कोई बात नहीं, सिखाया 11 × 8 88 होता है बेटा, तो हाँ हाँ सर याद आवे क्यों मैंने, ओके तो ऐसा चलता है, ओके विल कंटिन्यू फर्दर, आपको ये समझ में आ रहा हैव यू अंडरस्टूड हाउ टू टेक एलसीएम, ये एलसीएम निकालना समझ में आया कि मैंने किससे क्यों मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, बिकॉज 12 और 4 का एलसीएम कितना है बेटा, 12 है, दैट्स वाई 12 × 1 एंड 4 × 3, बराबर है कि नहीं, अने न आवड़त तो मैंने मरजो शांति थी, हूँ तमने समझाइश, आप 8th स्टैंडर्ड पाछू भणीशू, अरे आ तो 6 7 नो छे ने, 5th स्टील रिमेम्बर्स 5th स्टैंडर्ड, ओके आई लाइक दैट, विल कंटिन्यू फॉर द स्टेप नंबर 5, रिदम स्टेप नंबर 5 शू छे, आई नो दैट यू आर गोइंग टू से दैट, लेकिन इसके बाद कौन सा आता है, बैलेंसिंग ऑक्सीडेशन नंबर, जागो ग्राहक जागो, एक स्टेप पीछे चल रहे हैं इसमें, ओके नंबर चेंज हो चुके हैं, बराबर है कि नहीं, सो क्या करेंगे इसको, 1 से P4, इसको 3 से, बेटा स्टेप नंबर चेंज हो चुका है क्योंकि एक बीच में स्पेक्टेटर वाला घुस गया ना एक्स्ट्रा, ये 7 स्टेप का सम हो चुका है, करेक्ट ऑर नॉट, ओके इसको OH माइनस, सामने इसको 1 से 4PA3 और इसको रिदम, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप, बैलेंसिंग तो आना चाहिए ना, तो एडिंग स्पेक्टेटर आयन बैक, मारो भाई लो कंफ्यूज डाल देता हूं, स्टेप 6 एडिंग स्पेक्टेटर बैक, कहां से स्पेक्टेटर निकाला था, OH माइनस में से, और एक कितने हैं ये, तो कितने डालने पड़ेंगे, 12 डालने पड़ेंगे, यहां पे जाएंगे कितने, 1, बाकी के 11 एक्स्ट्रा डालेंगे और इन दोनों को भी ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4P4 प्लस, या तो पहले एक इसमें डाल देते, 1NaOH 11Na प्लस 4PH3 12NaH2PO2 -1, माइनस साइन चला जाएगा, माफ करना मैं देख रहा था कितने लोग जागरूक है, जाग रहे हैं, ओके बराबर, नहीं सो जाते, विल कंटिन्यू पता, आर यू फॉलोइंग दिस, समझ में आ रहा है, अभी क्या आएगा, आप तो बैलेंसिंग चार्ज ने कब से यार मैं बोले जा रहा हूं, आता ही नहीं, स्टेप नंबर
सेवन क्या क्या है बेटा? बैलेंसिंग ऑक्सीजन, चार्ज में देखो 11 प्लस और कहीं पे भी चार्ज नहीं है, बद्दा जीरो वाला छे। कौन सा मीडियम? बेसिक मीडियम। लेफ्ट हैंड साइड 11 प्लस, राइट हैंड साइड जीरो, तो क्या रूल है? एड 11 OH माइनस ऑन लेफ्ट हैंड साइड, 4P4 प्लस NaOH प्लस 11 Na प्लस प्लस 11 OH माइनस। भाई ध्यान से, 11 OH माइनस लिखने में यहां पे स्पेस रखो, ऐसे मत लिखना, बराबर है कि नहीं? तो ये वस्तु ध्यान में रख जो, गिव्स अस 4PH3 प्लस 12 NaH2PO2। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गिनेंगे, 1 यहां पे, 11 यहां पे, 12 यहां पे, 12 टू जा तो क्या आएगा? हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस होना चाहिए, 12 टू जा प्लस 11 एंड 1 यहां पे, 36 हुआ टोटल। इस तरफ 4 3 जा 12 एंड 24 ये 36, बराबर है कि नहीं? तो उसके हिसाब से बैलेंस हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे क्योंकि जरूरी है। अब देखो ये 4 है, ये सब मिला के 12 NaOH होने वाले, क्या होने वाले? बिकॉज ये 11 NaOH और ये 1 NaOH, 12 NaOH, ये 12 है, ये 4 है, ये 12 है। इस बार 4 का मल्टीपल है, 4 है, ये 12 है, ये 12 है, 4 एंड 12 सबके सब डिवाइड बाई 4 करेंगे, ध्यान नहीं है बेटा? सो 4 से डिवाइड करने से P4 प्लस 3 NaOH प्लस 3H2O गिव्स, एंड लास्ट में बट नॉट लीस्ट, बराबर यहां पे क्या है? रिएक्टर है, एलिमेंट्स कौन कौन से? फास्फोरस, एने, चार्ज। ओके, फास्फोरस कितने आप? 1 नहीं है, 4 है मेरी जान। ओके हाँ यार, 1-1 बोल रहा है, क्या करे? 4 है। ओके यहां पे 3R3 करेक्ट। ऑक्सीजन 3 और 3 6, 3 2 जा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 3 and 6 9, 3 and 6, चार्ज 0 0, सम होता है तो आप लिखोगे ये सम को।